हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक ब्राइट चैनल और आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ और मैं समझता हूँ इस वीडियो को आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हो मेरे सामने एक मोबाइल है। इस मोबाइल का नाम है रियलमी C11। इसमें 2 GB का रैम आता है और 32 GB का स्टोरेज दिया गया है। और इसमें 2 GB रैम और 32 GB जो स्टोरेज दिया गया है वो काफ़ी नहीं है, लेकिन अब जब रिसेंट टाइम का 2022 में अगर आप कोई मोबाइल खरीदो तो अगर आपका रैम मिनिमम 4 GB हो तो अच्छा है, नहीं तो ये 2 GB रैम में क्या क्या लैग आता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप पहले, ये लॉक है, मैं लॉक खोला है टच करके, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है। अब खोलता हूँ तो ये देखिए, ये रियलमी C11 का फ़ोन है। मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखाता हूँ कि कितने टाइम के बाद खोला। मैं अब अबाउट फोन में जाता हूँ, ये टाइम ले रहा है, ठीक है। ये रियल मी C11 आप देख सकते हो और ये एंड्रॉयड वर्जन 10 आता है इसमें। और ये है 2 GB का रैम है, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये 32 GB का स्टोरेज दिया गया है, आप देख सकते हो। और इसका मॉडल नंबर है RMX2185, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हो, इसमें बहुत लैग आता है, आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आप एक दो ऐप खोल दो, ठीक है, मेरा 1 2 3 4 ऐप खुला है, तो 2 GB रैम लिखा लगा है। इसका मतलब बहुत ही, देखिए प्ले स्टोर में खुला, मैं अभी नेट नहीं चालू किया है, मैं वाईफाई चालू करता हूँ, उसके बाद देखिएगा कितना लैग आता है। देखिए मैं वाईफाई चालू कर दिया है और वाईफाई चालू कर देने के बाद मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ, देखिए आप कितना टाइम ले रहा है, अब देख सकते हो कितना टाइम ले रहा है। और फिर आपको देखिए, मैं स्वाइप कर रहा हूँ, ये फ़ोन बहुत लैग कर रहा है, ठीक है, अब देख सकते हो। देखिए मैं स्वाइप कर रहा हूँ, इधर नहीं आ रहा है, अब देख सकते हो कितना लैग कर रहा है। अगर आप 2 GB का रैम 2022 में लोगे तो ऐसे आप लैग ही पाओगे, क्योंकि 2 GB का रैम ज़्यादा नहीं होता है, उसमें स्पीड नहीं आप पाओगे। फ़ोन 2 3 दिन के अंदर ही आप समझ पाओगे ये लैग हो जा रहा है, लैग होता है। तो अगर आपका जो मेमोरी है वो अगर भर जाए और आपका जो जो स्टोरेज दिया गया है इनबिल्ट स्टोरेज, ठीक है, वो 32 GB है, 32 GB अगर आपका ऐप से, म्यूज़िक से, किसी भी कारण से अगर भर गया है तो फ़ोन लैग करना शुरू कर देगा। अगर व्हाट्सएप में बहुत सारा मैसेज आता है, ठीक है, तो फ़ोन लैग कर देगा, फ़ोन लैग करना शुरू कर देगा। तो अगर इस लैग को बंद करना होगा तो आपको क्या करना होगा कि सबका जो नोटिफिकेशन है वो बंद कर देना होगा और बैकग्राउंड जो डाटा है उसको बंद कर देना होगा, ठीक है। नहीं तो आप इंटरनेट जब चलाओगे, देखिए मैं वाईफाई से कनेक्ट किया है, आप देख ही सकते हो, इंटरनेट जब चलाओगे इसमें इतना लैग आएगा, इतना लैग आएगा, तो आप मोबाइल पे कोई काम नहीं कर पाओगे। देखिए मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, देखिए मैं कितना टाइम ले रहा है, देखिए एक एक ऐप खोलने में कितना टाइम ले रहा है। तो मैं म्यूज़िक खोलता हूँ, देखिए देखिए मैं म्यूज़िक के कितने बार टच कर दिया है, लेकिन देखिए कितने टाइम के बाद खोला। और मैं एक म्यूज़िक आपको प्ले करता हूँ, एक म्यूजिक चल रहा है और एक म्यूजिक चला रहा हूँ, ये जल्दी चल रहा है, मैं स्टॉप कर दिया, देखिए मैं अब लैग हो रहा है, ठीक है। तो 2 3 बार स्वाइप करने से, ऐसे ऐसे स्वाइप करने से तो लैग ही फील हो रहा है। मैं फिर सेटिंग में जाता हूँ, इधर एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया गया है, मैं अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करूँगा। इधर बोल रहा है न्यू वर्सन अवेलेबल एंड्रॉयड 10 रियलमी UI,
और ये अपडेट के बाद क्या क्या आएगा मैं ये नहीं जानता, तो वो बात दूसरी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। इसमें अपडेट आ जाने के बाद क्या क्या मिलता है, एक क्या अपडेट है। तो ये फ़ोन अगर आप यूज़ करेंगे तो 2022 में अगर 2 GB रैम वाला मोबाइल यूज़ करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम फेस कर पाओगे, आप फेस करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जो 2022 में कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो, वो किसी भी ब्रांड के फ़ोन हो, 2 GB का फ़ोन मतलब, और जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर आप देख के लो कि अच्छा प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर और रैम की वजह से आपका मोबाइल का स्पीड जो है वो बढ़ता है, फ़ोन लैग होने में लैग नहीं होगा फ़ोन, अगर प्रोसेसर और रैम अच्छा होगा तो यही तो मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं आपको दिखाई भी दिया है, मैं खोल के क्या क्या है, कैसे लैग कर रहा है। देखिए मैं फाइल मैनेजर खोलता हूँ, देखिए मैं कितने कितने टाइम के बाद खोल रहा है, तो ये लैगी फील आप आएगा। देखिए मैं एक बार स्वाइप किया, बैक नहीं हुआ, देखिए आप देख सकते हो लैगी कैसे लैग हो रहा है। देखिए देखिए 2 बार 3 बार स्वाइप किया, देखिए ये देखिए ये देखिए। तो ऐसे लैग अगर इस ऐसे लैग से बचना चाहते हो तो 2022 में अगर आप कोई फ़ोन लो, मिनिमम आप 4 GB वाला फ़ोन लो, ठीक है, 2 GB वाला फ़ोन मत लो, ठीक है। यही था आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि अगर आपका इस वीडियो से कोई अच्छा सजेशन अच्छा रिकमेंडेशन मिला तो इस वीडियो को लाइक करना। और मेरा चैनल है टेक बाइट, इस टेक बाइट चैनल में मैं बहुत सारा टेक्नोलॉजी का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ये मैं समझा कि आज मैं इस बारे में वीडियो करूं कि 2 GB रैम अगर फ़ोन हो, अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं हो तो फ़ोन कितना लैग करता है, इसके लिए आज का वीडियो था। अगर आप इस वीडियो को देख के कोई कुछ सीखा है, कोई कुछ जाना है, तो वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल है टेक बाइट, उस टेक बाइट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नमस्कार।